को अल्लाह ने जो दिमाग दिया है ये गजब करने का अल्लाह ने एक तोहफा हमें दिया है, वंडर्स हम लोग कर सकते हैं। उस डिपेंड करता है कि आप उसका कितना इस्तेमाल करोगे। एक पेट है, पेट पर बात आई तो मैं पहले वो बात कर दूं। 2012 में जब मैं पहली दफा आया था तो कितने मेवातियों को देखा मैंने, कोई मेवाती का पेट नहीं दिखा हजरत मदीना। पता नहीं खाना नहीं खाते हैं या बहुत मेहनत करते हैं, किसी के पास पेट नहीं। माशाल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के फ्लैट स्टमक होना चाहिए, तो वो मुझे सिर्फ मेवातियों में नजर आया। 2012 की बात कर रहा हूं, 23 की नहीं, 10 साल में कुछ भी हो सकता है, दो दिन रहूं तो पता चलेगा। लेकिन 12 में जब मैं देखा सारे लोग एकदम फ्लैट, जो 6 एब्स एक्सरसाइज करके ले आते हैं वैसे 70 साल के बुजुर्ग लोग भी जा रहे हैं तो बिल्कुल चिकना एकदम प्लेन। बहरहाल पेट की बात आई तो मैंने रखी थी, पेट में आप खाना खाते हो तो पेट में जाता है, कितना जाएगा 500 ग्राम या 1 केजी, या आप खूब खाते हो तो 2 किलो खाओगे, उसके अलावा आप ज्यादा खाने की कोशिश करोगे तो आप क्या क्या होगा आपके साथ, यू विल थ्रो इट अप, वॉमिट करोगे आप, उल्टी हो जाएगी आप। क्यों? जितना जाना है उतना ही जाएगा आपके पेट में, ज्यादा नहीं खा सकते आप। 3 दिन का खाना आज खा लो, खाओगे आप कि मैं 3 दिन सफर में जा रहा हूं, ये ऊंट पानी पी लेता है, स्टोर कर सकता है, इंसान स्टोर नहीं कर सकता है। कभी आप लोगों ने स्टोर किया कि खाना रख लिया, रोटी का एक टुकड़ा मैं इसको दोपहर में चबाऊंगा, ये एक रोटी का टुकड़ा इस जबड़े में रखा मैं इसको रात में चबाऊंगा, ऐसा कभी किया आप लोगों ने? नहीं। जो पेट की मेदार है ना, साइज है, उतना ही आप खा सकते हैं, उससे ज्यादा आप खाओगे तो उल्टी करोगे। लेकिन देखिए आप दिमाग का साइज कितना है, इतना ही छोटा, लेकिन कितना डेटा स्टोर कर सकते हो आप। जितनी आप मेहनत करोगे स्टोर करते जाओगे, पेट फट सकता है ज्यादा खाने से, ज्यादा पीने से। आप 20 लीटर पानी पी लिए हो सकता है पेट फट जाए, लेकिन दिमाग इतना है इसमें आप डेटा स्टोर करते जाए करते जाए करते जाए, ब्रेन एक्सपैंड नहीं होगा लेकिन वो डेटा स्टोर ही होते जाएगा। ये कमाल है दिमाग की, इसकी वजह से ही अल्लाह ने इंसान को अशरफ कहा। सिर्फ आंखों की वजह से नहीं, हमसे अच्छा तो शाहीन परिंदा देखता है मैलो दुरुस्त है। सिर्फ पैरों से हमने अशरफ नहीं बने, हमसे तेज तो शेर चीते भागते हैं। हाथों की वजह से हम लोग अशरफ नहीं बने, तो हमसे अच्छे तो जानवर लड़ते हैं हमसे। ना हम चीते जैसा तेज दौड़ सकते हैं, ना परिंदों जैसे हम हवा में उड़ सकते हैं, ना मछलियों जैसा पानी में तैर सकते हैं। फिर हमारा रब हमें अशरफ क्यों कहता है भाई, जब अल्लाह ने तो बनाया ना ये सब। तमाम मछलियां जो बने हैं, शेर, हाथी, शाहीन, परिंदे, थकते नहीं कभी उड़ते हुए, अब ये तमाम अल्लाह ने बनाए और बनाकर कह रहे हैं इसमें बेहतरीन मेरा कोई प्रोडक्ट है, इतने क्रिएचर्स मैंने बनाए, इसमें सबसे आला अगर है तो वो इंसान, वो आप है, वो आप है, वो आप है। और हम समझ ही नहीं पाए, 3 वक्त खाना खा रहे हैं बस, गुजार रहे हैं, महीना गुजर जा रहा है, साल गुजर जा रहा है, 10 साल पहले क्या थे आज भी वैसे ही हो। एक एक दिन में हजार गुना तरक्की करना है इंसान, इंसान को अल्लाह सुबहानहु तआला ने कामयाब होने के लिए पैदा किया, हाथियों को कामयाब होने के लिए नहीं पैदा किया, शेर को कामयाब होने के लिए नहीं पैदा किया। लिमिट जिंदगी है, जैसी 10,000 साल पहले अगर हाथी थे जो जिंदगी थी उनकी लाइफस्टाइल आज भी वैसी है, जो 2000 साल पहले कुत्तों की जिंदगी आज भी वैसी ही जिंदगी है, लेकिन इंसानों ने कितनी तरक्की की है। मेवात में भी तरक्की आई कि नहीं आई, टेक्नोलॉजी मेवात में आया कि नहीं आया बताए, यहां से अमेरिका बात कर पा रहे हो फोन पर, पहले यहां मेवात से दिल्ली जाना आपको तो एक एक जीप में 80-80 लोग भी बैठ के जाते थे, पता नहीं कहां कहां बैठते थे। अब खुद के गाड़ियां आई हैं, बसेज आए हैं, सब सारी चीजें डेवलप हो रही है। ये टेक्नोलॉजी जब से क्या आई दुनिया में हर इंसान मजा ले रहा है टेक्नोलॉजी का, लेकिन हम डेवलप नहीं हो रहे, इंडिविजुअल्स डेवलप नहीं हो रहे, मशीन्स डेवलप हो रहे हैं।
इंसान डेवलप नहीं हो रहे हैं। क्यों डेवलप नहीं हो रहे? जहन नहीं बना रहे हमारे। मैं सलाम करता हूं आकिब मोहम्मद मेवाती को, जो इस साल शायद यूपीएससी में 196 या 296 रैंक ले आकर आईएएस ऑफिसर बने। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। मैं सलाम करता हूं वो 25 मेवातियों को जो नीट एग्जाम क्लियर किए हैं इस साल। माशाल्लाह, आप लोग अगर अज्म कर लें कि मुझे भी डॉक्टर बनना है और 5 वक्त नमाज, उसके अलावा जब थक जाते हो तो 4-6 घंटे आप सो जाएं, बाकी किताबों में जिंदगी गुजार लें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मेवात में 25 नहीं बल्कि 250 डॉक्टर्स बनेंगे। मैं हर प्लेटफॉर्म से ये कहने की कोशिश करता हूं, 2017 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को हैदराबाद इनवाइट किया था। पहली दफा मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आए और कुछ कॉलेजेस को देखे जो नीट पर जबरदस्त काम कर रहे हैं हैदराबाद में, तो आंखें खुल गई मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की। अरे इतना बेहतरीन काम मुसलमान फॉर्म डॉक्टर्स पर, बल्कि मेरे उस्ताद रिसर्च करके मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को प्रवोक किए। प्रवोक मतलब उकसाना, कि पूरा आसाम हिंदू मुस्लिम सारे कॉलेजेस मिलकर 550 डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं हर साल। कितने? 550। लेकिन हैदराबाद में सिर्फ 2 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो 2 मिलकर 500 पैदा कर रहे हैं। पूरा आसाम मिलकर 550 और सिर्फ 2 माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस मिलकर 500। आंखें खुल गई है, अरे भाई ये कैसा है। पूरे टीम को बुलाए फोन करके, डायरेक्टर्स प्रिंसिपल्स को, आ जाओ भाई बेहतरीन चीज है यहाँ पर। देखकर शुरू किए 2017 में सुपर 40 के नाम से, अजमल सुपर 40। 2017 की बात कर रहा हूं, आज 2023 है। पता है आपको यह साल क्या रिजल्ट है आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के एक इदारे से? माशाल्लाह 350 गरीब बच्चे डॉक्टर बने। गौर था, कुछ नहीं था, जीरो अजमल में। 6 साल में आपने ऐसा क्या दिखाया? आलिम दीन, देखिए आपके अब्बा हुजूर पहला मेडिकल कॉलेज, ही इज द फर्स्ट आलिम दीन हु इज एस्टैब्लिश्ड अ मेडिकल कॉलेज। एक घर नहीं बना सकता इंसान, मेडिकल कॉलेज कौन बना रहे? आलिम दीन। 7,000 मसाजिद आपने बनाया। कितने? 7,000 मसाजिद, 700 मदारिस, बेहिसाब मकातिब। कितने और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स? बीएड आपके पास है, डीएड आपके पास है, एमएड आपके पास में है, बी फार्मेसी है, डी फार्मेसी है, एमबीबीएस कॉलेज है, बीयूएमएस है, बीएएमएस है, बीएचएमएस है। कौन चला रहे भाई? आलिम दीन। क्या मेवातियों के खून में वो गर्मी नहीं है कि आप लोग यहाँ एस्टैब्लिश करें? एक एक मेडिकल कॉलेज नहीं, तमाम मेडिकल कॉलेजेस इंशाल्लाह मेवात में होने चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग सब यहाँ आज अज़्म कर उठे, भारत के मुसलमानों को कामयाब होना है तो मेवात में आकर तालीम हासिल करना है। ये आप लोग अज़्म कर लें, मरकज बना लें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इंशाल्लाह, और ये पॉसिबल है। आसाम कैसा कैसा एरिया पता है आपको? 2-3 बार साल में बाढ़ आता है, तूफान, नक्शों से घर उड़ जाते हैं हवा में, दिखते नहीं घर आप, ऐसे तूफान, ऐसे साइक्लोन वहां पर काम हो रहा है। 2 उलमा देखे आपके, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और आपके अब्बा हुजूर। माशाल्लाह क्या टाइटल मिला काम करने से? वो टाइटल जो करोड़ों रुपए देने से आपको नहीं मिलेगा, खादिमुल कुरान वल मसाजिद, यानी मस्जिदों के खादिम, कुरान के खादिम। तो कल रोजे कयामत में जब मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब जाएंगे अल्लाह के पास में, तो आपको जुबान खोलकर अल्लाह के पास रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो तमाम मीनारे गवाह देंगे कि या रब ये बंदा तेरा गुलाम आया है, ये आशिक आया है मसाजिदों का आशिक, कुरान का आशिक, मकातिबों का आशिक, वो जिंदगी खपा दिया। मैं चाहता हूं एक मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब पैदा हो जाए आप में से, एक मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब पैदा हो जाए आप में।
कसम खुदा की ऐसे दो पर्सनालिटीज यहां से पैदा होंगे पूरे भारत के मुसलमान तरबियत के लिए आप लोग के पास में आते हैं, एजुकेशन तालीम हासिल करने के लिए आपके पास में आते हैं। साइंटिस्ट बनना है तो मेवात में जाना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, आप जाए गुजरात में सारे मुसलमान चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, क्यों? वहां बिजनेस है, वो आप लोग भी कर सकते हैं माशाल्लाह। इतने जो लोग बैठे हैं कसम खुदा की आप लोग दुनिया को फतेह कर सकते हैं। आपने खड़े होना है। मैं 28 साल की जब मेरी उम्र थी डू और डस का फर्क मुझे नहीं मालूम था। अंग्रेजी में एक मौलाना अभी खड़े होकर कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे थे। When I was 28 years old, I had no knowledge of do and does. मैंने 3.5 साल लगाए अंग्रेजी के ग्रामर को 12 टेंसेस को समझने में, 3.5 years. अब इसके बाद गवर्नमेंट जॉब मिली मुझे, मैंने सोचा भाई 4 साल मैंने खपाए और दिन रात मैंने मेहनत की और मैं जाकर हॉस्पिटल में दवाएं देता रहूं 2-4, तो जो मैंने 4 साल में सीखा वो सब भूल जाऊंगा। तो फिर मैंने वाली साहब से गुजारिश की और वो जॉब मैंने छोड़ दिया, फार्मासिस्ट की जॉब। और जैसे वो जॉब मैंने छोड़ दिया वाली साहब नाराज हुए। अब नाराज होने के बाद अब मैंने कोशिश किया जाकर कोई स्कूल में पढ़ाऊं, कोई स्कूल वाले मेरे लिए दरवाजा नहीं खोल रहे थे। क्यों? आपके पास बीएड की सर्टिफिकेट नहीं है, डीएड की सर्टिफिकेट नहीं है, आप हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। नौजवानों हिम्मत मैंने हारी नहीं वहां। मैं गांव में गया, स्लम्स में गया, पढ़ाता गया स्लम्स में, गांव में धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज मिले मुझे। गांव में जाकर मैं टीचर्स को पढ़ाने लगा। पहला संडे एवरी संडे फ्री में पढ़ाया करता है, 50 टीचर्स हैं। दूसरा संडे 100 टीचर्स हैं। तीसरा संडे 200 टीचर्स हैं। जब 8वां संडे गया है ना, 1000 के ऊपर टीचर्स बाहर खड़े होकर सुनते थे मेरे लेक्चर्स। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे लोग सुन रहे हैं। तो फिर मैं भारत घूम घूम कर माशाल्लाह 3 लाख से ज्यादा बंदों को, टीचर्स को मैंने अंग्रेजी जुबान सिखाने की कोशिश की है माशाल्लाह। अब इसके बाद यूट्यूब का जमाना है, बहुत से वीडियोस आते गए मोटिवेशनल लेक्चर्स, और सारे वीडियोस में देख रहा हूं कोई हमारे कौम का बंदा नजर नहीं आ रहा है, हमारी कौम से कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीकर नजर नहीं आ रहा। फिर मैंने हक किया कि नहीं नहीं, मुझे मोटिवेशन में भी आके प्रूफ करना है कि मुस्लिम्स कैन आल्सो बी गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स। एक दौर था मुनव्वर जमा को एज एन इंग्लिश टीचर पहचानते थे लोग, आज मोटिवेशनल स्पीकर की तरह लोग मुझे पहचान रहे हैं। आपने अहद करना है भाई, मैं आप लोग से अगर कंपेयर करूं तो 100 गुना पीछे हूं मैं आपसे। मैं कोई होशियार स्टूडेंट नहीं था, मेहनत करके ही सारी चीजें, मुझे उर्दू ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है भाई। फिर मैं लेक्चर्स दे रहा हूं, लोग सुन रहे हैं, क्यों? दिल से बोलता हूं, एक्सपीरियंस करता हूं चीजें। मेरे स्पीचेस में कोई शायरी नहीं होती है, कोई उर्दू के टफ वर्ड्स नहीं होते हैं। देखिए कॉमन लैंग्वेज में मैं एड्रेस करता हूं। फिक्र अगर आप में है तो आप फतेह कर सकते हैं सारी चीजें। आप तमाम नौजवानों से मैं अपील करता हूं, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं कोई बिजनेस में तो वो कामयाबी नहीं है भाई। आपने कौमें बनाने के लिए पैदा हुए हैं और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ही हासिल होती है। आप कुछ भी मेहनत कर ले, पैसा बना ले आप, तो सिर्फ आप और आपके 4 घर के मेंबर्स को कुछ दिन की राहत। लेकिन किताबें आप अगर पकड़ लेते हो और इल्म स्किल्स हासिल करते हो, सिर्फ आपका घर नहीं, आने वाले जनरेशंस में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इसका असर आने वाले जनरेशंस पर होगा इंशाल्लाह। आप तमाम यहाँ जितने बुजुर्ग हैं, जितने टीचर्स हैं, उनसे भी अपील करता हूँ, कोई एक स्कूल चला रहा है तो स्कूल को आप प्रमोट करें, उसको क्रिटिसाइज ना करें, उसको गिराने की कोशिश ना करें, उसमें क्या फ्लॉज है, क्या नुक्स है वो ढूंढने की कोशिश ना करें, उसको अपना इदारा समझें और वहां जाकर आप अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आपको सोचना चाहिए। आपने उलमा हजरात से सुना होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया
40 दिन या 4 साल या 40 साल आग में थे, हजरत बताएंगे। जितने भी अरसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, ये और बात कि अल्लाह ने वो जलने वाली जो तासीर होती है वो निकाल दिया आग से, तो बिल्कुल ठंडक मस्त आपका जो है सफर था उसमें। लेकिन एक परिंदा अपने चोंच में पानी लेकर वो पानी फेंकता है परिंदा आग बुझाने की कोशिश, तो वहां कुछ दूसरे परिंदे तंज कर रहे हैं कि ये इतनी छोटी चोंच में दो खतरे पानी लेकर ऐसी भयंकर ऐसी खतरनाक आग तो बुझा सकती है, ये तंज। तो सुनो नौजवानों, वो परिंदा क्या कहता है? वो कहता है कि रोजे कयामत में अल्लाह अगर मुझसे पूछता है कि तेरे नबी को आग में जलाया जा रहा था तो क्या कर रहा था, तो मैं उस दिन जवाब दूंगी या दूंगा कि या अल्लाह जितनी चोंच तूने मुझे दी है ना, उस चोंच में जितना पानी आ सकता है उतना पानी जरूर डाला मैंने आकर उसमें बुझाने के लिए। तो अगर कोई इदारा चल रहा है तो आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंट्रीब्यूट करना है। क्रिटिसिज्म से कौमें नहीं बनती, कंट्रीब्यूशन से कौमें बनती हैं। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा थे, जिनके पास माल था वो पूरा माल दे दिए, जिनके पास ताकत थी जंगों में शहीद हो गए, जिनके पास वक्त था पूरा वक्त दे दिए, जिनके पास नौजवान बच्चे थे दीन के नाम पर बच्चों को कुर्बान कर दिए, जो जो चीज सहाबा के पास थी वो सब कंट्रीब्यूट किए हैं। कौमें कैसे बनती हैं? कंट्रीब्यूशन से कौमें बनती हैं, क्रिटिसाइज करने से नहीं बनती। आज जरा अच्छा काम आप करने लगेंगे हसद पैदा हो जाती है, हम नहीं देख सकते, आपस में ही दुश्मन रहते हैं। अब यहाँ पर इतने लोग हैं, मैं पूछूं आपका दुश्मन कौन तो आप कोई चीफ मिनिस्टर कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम लेंगे, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन पता है कहाँ है? इसी महफिल में बैठे हैं, एक दूसरे की गिबत करते हैं, वो सबसे बड़ा दुश्मन। हसद, जलन, मजाक, क्रिटिसाइज करना, पकड़ कर खींचना, कामयाबी अल्लाह दे रहा है कामयाबी और हम जल रहे हैं। तो जब हम हसद कर रहे हैं, किसी के कामयाबी पर आप हसद करते हो तो अल्लाह के फैसले पर आप हसद कर रहे हैं, और अल्लाह के फैसले पर आप हसद कर रहे हो तो फिर अंजाम क्या होगा सोचने वाली बात है। ये जुबानों का जमाना है, ये स्किल्स का जमाना है, जितने स्किल्स सीखे कम है। आज हर बंदे को मिनिमम 5 जुबानें आनी चाहिए, मिनिमम 5 जुबान। मैं जब मेवात पहली दफा आया था, कोई एक चुटकुला सुना रहे थे, मेवात कैसा था पहले, एक कोई माई आकर बस में बैठी, यानी बस में बहुत लोग बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ भी होता था पहले, था आकर हम दस्ती डालते थे बैठने के लिए, वो सीट मेरी हो जाती थी, तो सब लोग आकर अपना सामान जो जो है वो डाल रहे हैं। एक माई आकर मेवात में ड्राइवर की सीट पर बैठ गई, अब लोग सब भर गए बस में, अब ड्राइवर आकर माई से कह रहा माई उठो गाड़ी चलाना है, वो पीछे बैठ कर चला लेते। अब उसको मालूम नहीं बिचारी को कि गाड़ी आगे से चलती है, यहाँ उसके पास कितना इल्म था बिचारी, वो कह रही है अरे भाई मैं आके पहले बैठ गई यहाँ पर, पीछे बैठ के चला लेते, मैं उठने वाली नहीं हूँ, मैं आकर बैठ गई जैसे सब बैठे वैसे मैं बैठ गई। ये क्यों होता है? इल्म की कमी की वजह से। हर इंसान के पास इल्म होना चाहिए, तरक्की इल्म से, अदब इल्म से। याद रख ले इन बातों को, इंशाल्लाह फिर हम जरूर यहाँ आएंगे। मुझे 5-6 दिन कबल, मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं हज के सफर पे निकलूंगा, ये हजरत ने माशाल्लाह सिफारिश की थी, तो